अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एथिक्स इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, व्हाट आर द एथिक्स। एथिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, या हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उसके एथिक्स को मेजर करने के लिए या उसका प्रमोट करने के लिए हम फील्ड को देखते हैं। तो हमारी जो फील्ड है वो हमें पता है कि वो हमारे दिमाग और हमारा जो इंसानी रवैया है उन दोनों का एक मिक्सचर है, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो हमने जो ट्रीटमेंट प्लान करना होता है या हम जो सजेस्ट करेंगे तो वो भी हमारे बिहेवियरल जो इश्यूज हैं और उनके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ही हम उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट कौन कौन से कंडीशंस और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे पास आने वाला क्लाइंट या हमारे जो पेशेंट्स या हमारे जो मेम्बर्स हैं वो उसको फील आउट कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को जो है एथिकल प्रिंसिपल्स उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और वो ख्याल एथिक्स का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो पेशेंट से अच्छे वे में और बहुत डेप्थ में जाके इंसाइट ले सके। अच्छा जी, एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च और साइकोथेरेपी, अब इसमें कौन कौन से ऐसे आ जाते हैं पॉइंट्स। उसमें यह कि हम इनके थ्रू लोगों का जो बिहेवियर है वहाँ तक हम असेस ले लेते हैं, मीन्स कि हमारी वहाँ तक ऑटोमेटिकली जो सही हो जाती है, हमें बातचीत से ही पता चल जाता है, हमें उनकी पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाता है, हमें उनकी और खसूसियात, उनके रूटीन आप कह लें या उनके इंटरेस्ट कह लें, हम वहाँ तक भी रीच आउट कर लेते हैं। तो हमें अपने ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है, हमें अपने पेशेंट या क्लाइंट और मेंबर, हम वेरियस अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट वर्ड जो है या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आने वाले क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इनसाइट होगी, हमारा राइट है कि हम उसको प्राइवेसी, उससे रिगार्डिंग जो भी हमारी प्राइवेसी है हम उसको मेंटेन रखें, ताकि वो इजीली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें और शेयर करने के बाद वो खुद को रिलैक्स भी फील करें। ऐसा ना हो कि आप उसके सामने ही उसकी फैमिली को हम ये बताना शुरू कर दें, भाई आपकी औलाद को या आपके साथ आने वाले इंसान को ये मसाइल हैं और आप जो है इसको इस तरह से, तो आपने फैमिली के साथ तो डायरेक्ट होना होता है, लेकिन आपने एथिक्स और पेशेंट की जो हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन है, इनसाइट है, उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। और आपको बहुत सारे पॉइंट पे इनडायरेक्ट वे में मैसेज जो है वो कन्वे करना पड़ जाता है। हमारे पास जो मेन एथिक्स है हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनिंग कॉम्पिटेंसी, एंड सेकंड इज डेवलपिंग इंटीग्रिटी, एंड थर्ड इज इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ वन इज रिस्पेक्टिंग द पीपल्स राइट एंड ड्यूटीज, एंड द लास्ट वन इज कंसिडरेशन फॉर द वेलफेयर नीड्स। सो मेंटेनिंग कॉम्पिटेंसी में हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से अफादियत के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सामने आएंगे। तो उसमें क्या है कि जब हम कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखते हैं तो हमारे जो स्किल्स और जो एक्सपर्टीज हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं ऑटोमेटिकली। उसके साथ साथ जो लर्निंग है, जो हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या हिस्ट्री टेकिंग या बातचीत के थ्रू हम उसको देख रहे हैं, हमारी वो भी इम्प्रूव होगी। और हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक एंड द प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। जब हम कॉम्पिटेंसी जो है उसको मेंटेन रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक और हमारे जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है उनमें कौन कौन सी बातें या पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट। हम बहुत सारे पॉइंट्स पे मीन्स का हिस्ट्री लेने लगे हैं तो हमारे पास बहुत डिटेल में डाटा आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसको कंपाइल करते हैं या हम इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम उनमें से स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं उनको पहले स्क्रीन आउट कर लेते हैं, मीन्स जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमारी फील्ड में और कौन कौन सी ऐसे पॉइंट हैं जो हम उसकी हिस्ट्री से निकालें और उसको पहले ट्रीट करें और वो एक अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा। तो मेंटेन कॉम्पिटेंसी से आपके पास अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। डेवलपिंग इंटीग्रिटी जो है वो प्रिवेंट कर देती है आपके इनकॉन्ग्रेंस के जो चांसेस हैं उनको मीन्स के ज़रा रोक देती है और उसको स्टॉप कर देती है। उसके साथ साथ जो आपका है इंफॉर्मेशन, आपको जो भी मिलेगी रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइक अगर हम यहाँ पे APA की बात करें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, हम उसके अकॉर्डिंग रिसर्चेस करते हैं, हमारा जो डायग्नोसिस है वो भी उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो हम जब एक फील्ड में आ जाएंगे तो उस फील्ड में उसे रिगार्डिंग जो एथिक्स होंगे हम जब उनको फॉलो करेंगे तो हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग तो आएगी, बाकी हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने रूल जो हैं वो इसे रेलिवेंट थे या हैं और कितने जो हैं वो इसे मैच नहीं कर रहे, मीन्स के मैच और डिसमैच जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है हमारे पास एक जो ऑनेस्टी की सेंस है, मीन्स कि हमारे पास एक ईमानदारी की जो ट्रेंड भी है और सेंस भी है, वो एक हमारे प्रोफेशन में आ जाएगा। इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल फील्ड में जब होते हैं तो आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्रोफेशनली ही डील करनी पड़ती हैं, और वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करती है, आपको जो भी आपके पास पेशेंट या लोग आएंगे उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेंगी। उसके साथ साथ जो उनके इफेक्टिव सर्विसेज हैं, जो कि उन्हें मीन्स के वो मुतमईन नहीं हो रहते हैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करके, अगर हमारा या आपका फील्ड में प्रोफेशनल बिहेवियर रहता है, तो उस प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से क्या होगा कि आपके पास क्लाइंट को जो आने से पहले इनकन्वीनियंट, वो सेटिस्फाई या रिलैक्स नहीं था किसी से शेयर करके, या खुद से ही अपने अंदर उसने सारे वो जो पॉइंट्स है, इरिटेशन और प्रॉब्लम जो थी खुद में ही रखी हुई थी, शेयर नहीं की थी, तो उसको उसमें जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है। और उसके साथ साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है, उसमें हमें अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं हम उसको भी अच्छे वे में कैटर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा जी रिस्पेक्टिंग द पीपल्स राइट एंड ड्यूटीज़। हमने लोगों के राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ को किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक, रिस्पेक्ट मीन्स गिव एंड टेक वाला यहाँ पे सीन आ जाता है। अब रिस्पेक्ट के बात आए तो गिव एंड टेक का जो सीन है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्रोफेशनली जब हम किसी फील्ड में होते हैं तो हमें सिग्निफिकेंटली जो है रिस्पेक्टिंग प्रमोट भी करनी पड़ती है, हमें उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, हम उसका परसेव भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें क्या, हमारे पास एक अच्छा रिलेशनशिप आ जाता है, मींस कि हमारा एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके साथ एक अच्छा ट्रस्टवर्दी, मींस के यकीन के साथ आप एक रिलेशन बना लेते हैं। आपकी जब तक ट्रस्टवर्दी या आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपका क्लाइंट आपके साथ शेयर नहीं करेगा। और इस शेयरेंस और रैपो बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपना प्रोफेशनल बिहेवियर जो है उसको शो करें, उसको मेंटेन करें। उसके बाद जी ये ट्रांसपेरेंसी जो है उसको क्रिएट कर देता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो एफिशिएंसी है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान लेके जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको हम लेके जा रहे हैं, तो उसको जो है वो इंक्रीज कर देता है उसकी इफेक्टिविटी को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडरेशन फॉर द वेलफेयर नीड। कंसिडरेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी वेलबींग के लिए या उसकी ज़ात को मुकम्मल करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही है, और लोग उस तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं अपने इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने के लिए। तो उन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उनको हम एक लिस्ट के थ्रू जो है वो पॉइंटिंग कर लेंगे और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले जो है 2014 में एक प्लान आया, और उस प्लान के साथ साथ हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड सेकेंड वन इज़ द अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। इन दोनों के साथ साथ हमारी एक नेशनल काउंसिल है जो कि इसके मेजरमेंट और इसके जो एजुकेशनल मेजरमेंट है उसको मैयर भी कर रही होती है, उसको प्रोसीड कर रही है। तो ये जो दो से तीन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए हैं। लाइक हमने किसी डिसऑर्डर का अगर डायग्नोस करना है तो हम DSM-5 की तरफ मूव करते हैं, या हमारे पास अब तो TRP उसका अवेलेबल है। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं, फॉर एग्जांपल एनजाइटी के लिए ऐसी 4 to 5 ये जो कोर सिम्टम्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, तो हम उस पेशेंट को स्पेसिफाई कर देंगे कि ये पेशेंट जो है फ्लां फ्लां डिसऑर्डर से लाइक कर रहा है, मीन के उसमें फॉल कर रहा है। अच्छा जी, और ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2014 है उसमें इसको रिवाइज़ किया गया, और वहाँ से ही इसमें अच्छी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हुई। उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन हम इसमें कर रहे हैं, तो उसमें हमारे इश्यूज़ की जो भी अकाउंटेबिलिटी, हम उसको किस तरह से काउंट कर रहे हैं वो, और वो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी से किस तरह से अटैच भी हैं, और उसको किस तरह से एजुकेशनल पॉलिसीज में टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो उन्होंने पॉइंट देखा, वो उन्होंने देखा ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, मींस कि अगर हम कोई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से ब्रॉडर मींस के वास्ट या वसी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो क्लाइंट हैं उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स एग्जिस्ट कर रही हैं।
बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें सिम्टम्स जो है वो सेम होती हैं, लेकिन हम उसको जब वो करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या डायग्नोस करते हैं, तो हम उसको स्पेसिफिक सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोस करते हैं। हम उन सिम्टम्स को देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम वेरियस डिसऑर्डर्स में सेम टेस्ट को भी यूज़ करते हैं। लाइक एग्रेशन के लिए हम जो है वो स्टेटमेंट जो हमारे पास टेस्ट है डैस, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने टेस्ट की एक्सेसिबिलिटी किस तरह से वसी करना है, हम उस पर भी वर्किंग करते हैं। और थर्ड जो है हमारे पास जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे वर्क प्लेस पे रहते हुए, हमने उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, अपने इंस्टीट्यूट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और इंस्टीट्यूट में रहते हुए वो जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं हमने उन पर वर्किंग किस तरह से करनी है। और उसके साथ साथ टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी, और जब भी टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो हार्ड फॉर्म में है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, और अगर उसमें कोई वो मैकेनिकल मीन्स कि हम कोई टेक्निकल वे में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसकी कंपिटेंसी को किस तरह से वास्ट वे में ले जाना है, या हम उसको किस तरह से कम्पीट कम्पीट करेंगे बाकी के टेस्ट की वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम जो भी बुक्स वगैरह या कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक उसमें मौजूद हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, हम उसको किस तरह से विद अ पैसेज ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं। इसेंशियल करेक्टरिस्टिक फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट में जब बात आ जाएगी तो हमारे पास सबसे पहले उसकी किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और उसका जो नॉर्म डेवलपमेंटल जो सेशन है वो मैटर करते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन हम मेनली इन पे फोकस करते हैं, तो हम इन्हीं को ही यहाँ पे रीड आउट या डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी मीन्स कि एक टेस्ट जो है हम उसको मैयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये टेस्ट किस सिचुएशन में कितनी ड्यूरेशन तक वैलिड रहते हैं, मीन्स कि उसकी जो है हमारे पेशेंट के साथ हिस्ट्री टेकिंग में वो कितना अपनी जो है वैलिडिटी को शो ऑफ कर रहे हैं। रिलायबिलिटी आ जाएगा, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम रहे, हम उसको मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, या टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर उसको चेंज करें, सिचुएशनल वे में अगर चेंज करें, तो हमारे पास उसकी जो भी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। वो मेंटेन रहेगी तो रिलायबिलिटी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी तो वैलिडिटी भी इफेक्टिव होगी। अदरवाइज दोनों में वेरिएशन और चेंजेस की वजह से समझ लें कि थोड़ा जो है मुखालफत वाला सीन हो जाता है, तो वो आपके टेस्ट की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है मेंटेनेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। फिर थर्ड पे आता है उनकी नॉर्म डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई टेस्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके नॉर्म डेवलपमेंट, उनके रस्म और रवाज के अकॉर्डिंग क्या ऐसे मसाइल हैं या ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पे हमें वर्किंग करनी चाहिए और इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कोई टेस्ट बिल्डअप कर रहे हैं तो हम देखेंगे फॉरन एरियाज़ में, लाइक अमेरिका, कनाडा या जिस एरिया में भी हम कर रहे हैं, तो हम उस एरिया की नॉर्म डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए कि वहाँ के क्या रस्म और रवाज हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पैथोलॉजी की तरफ मूव कर, मीन्स की अबनॉर्मेलिटी की तरफ मूव कर रही है वहाँ की रहने वाले लोगों के बिहेवियर्स को। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना और इनका मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हमारे पास है टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग प्रोसेस मीन्स के हम अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे वेज होने चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें जनरलाइज कर लेते हैं रिजल्ट को जो कि हमने अपने सैंपल्स के थ्रू, मीन्स के टेस्ट बनाने से पहले ना हम बहुत सारी फेजेस से गुजरते हैं। हम रफली तौर पर बहुत सारे लोगों से उसको फिल आउट करवाते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स कि अगर मॉर्निंग में करवा लिया तो इवनिंग में, इवनिंग करवाया तो हम नाइट में वो टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो हम उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी को देखते तो हैं लेकिन उसके साथ साथ हम उसको जनरलाइज वे में भी देख रहे होते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटी रहेगी या रहती है।
और उसके बाद जो है हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जो भी उसका एरर वेरियंस आएगा या जो भी उसकी वैलिडिटी को रिड्यूस कर रहा है, हम उसको उसके साथ स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने कोई टेस्ट जो है वो अग्रेशन के लिए 12 किया, स्ट्रेस के लिए है, डिप्रेशन के लिए है, और फोबियाज से रिलेटेड है, फियर से रिलेटेड है, मैरिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, मीन्स हम किसी भी पॉइंट पे टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको उससे जो है रिलेट कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देंगे। और उसके बाद जो है हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। टेस्ट रिलेटेड जो हमारे पास इन्फ्लुएंसेस आएंगे, हम उसको देखेंगे इनकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन जो है वो भी आपके टेस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और उसमें भी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो है और आपकी नॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आपने देखना कि जो भी आपका टेस्ट है उसका अपना मीन्स के क्या स्कोरिंग आ रही है, फिर हम उसको डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स और मैं जो एग्जामिनी है मीन्स के जो उसको फिल आउट कर रहे हैं वेरिएबल्स जो हैं हम उसको देते हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे रहते हैं, मीन्स के उसके अंदर यूज़ की गई जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं। और उसमें हम देखते हैं जब हम टेस्ट की प्रोसेसिंग की बात करें तो हम उसमें देखते हैं एडवांस प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनर, मीन्स अगर मैं टेस्ट बनाने के लिए मूव आउट कर रही हूँ तो मैं देखूँगी कि मैंने उस टेस्ट पे उस पॉइंट पे कितनी जो नॉलेज है वो इकट्ठा कर ली है, और उसको इकट्ठा करने के साथ साथ मेरी उस नॉलेज पे कितनी कमांड है। तो ये चीज़ें हमारे टेस्ट की जो भी प्रोसेसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्टफुल रहती हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टेस्टिंग कंडीशंस आ जाएंगी, इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट, कि हम अपने टेस्ट को किस तरह से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है या कंडीशन जो कि हमने अप्लाई करनी ही करनी है, और उसके बाद हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, मीन्स के कोई स्टेटमेंट बनाइए हम अगर उसको मोर प्रिसाइजिंग वे में आ जाएं तो वो कितना प्रिसाइज हो जाएगा, और अगर हम उसको प्रिसाइजिंग वे के अलावा देख रहे हैं तो उसकी इफेक्टिविटी आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हम अपने टेस्ट को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और करवा रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, जो भी एग्जामिनर होगा मीन्स के जो भी उसको फॉर्मुलेट कर रहा है, उसको बना रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मैटर करती हैं। अच्छा जी, आपकी है एडवांस प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनर। इससे पहले हम आपको जो है मूव करें अपने टेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए, तो हम एग्जामिनर की जो भी प्रेपरेशन है उसके ऊपर एक डिटेल समझें कि एक टाइम कंज्यूम करते हैं कि आपके पास या मेरे पास जो भी बिल्डअप कर रहे हैं कितना नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पेक्टफुल रहते हैं, लाइक बुक्स से डाटा जो है मटेरियल वो किया है, और इलेक्ट्रॉनिक वे में गूगल सर्च की है या स्कॉलर के थ्रू, या कहाँ कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। वो उसको हम करने से पहले जो है इंडिविजुअल टेस्टिंग जो है उसके लिए हम वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको मेमोराइजेशन जो है वो अच्छी हो जाती है किसी हद तक। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो किसी और के साथ या किसी और टॉपिक पे मर्ज कर दें। तो मेमोराइजेशन वे में हम वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हैं एडवांस प्रिपरेशन में, और उसके साथ उसकी जो प्रीवियस फेमिलैरिटी मीन्स के गई वही टेस्ट पहले भी फॉर्मुलेट हुआ हुआ है, बना हुआ है, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको प्रीवियसली भी जो स्टेटमेंट होंगी या जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होगी उस टेस्ट के, हम उसको उससे भी रिलेट करें ताकि जो भी मिस रीडिंग हो या कन्फ्यूजन हो हम उसको अच्छे वे में दूर करें, और जो इनफॉर्मल वे में है हमारा टेस्ट है वो नेचुरल भी हो, इनफॉर्मल भी हो, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छी रहे। उसके साथ साथ हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल आ जाएगी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो है इंडिविजुअल टेस्टिंग, मीन के उसको हम ये नहीं है कि सबसे पहले ग्रुपिंग पे ही करें, हम इंडिविजुअली जो है उसको मेयर करते हैं, इंडिविजुअली रीडिंग भी लेते हैं उसके, और फिर हम उसका जो एक्चुअल यूज़ है हम उसको मीन्स के इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि भाई आप जो है इंडिविजुअल बेसिस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको ग्रुपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें है कि जो भी हम मटेरियल वगैरह यूज़ करेंगे मीन के इंफॉर्मेशन आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें वो ड्यूरिंग टेस्ट जो है आपको इजीली समझ आ जाए, ऐसा ना हो कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वर्डिंग हमारी जो है वो ऐसी हो
कि जो भी उसको फिल आउट कर रहा है उसको उसकी समझ ही ना है, और उसको समझ नहीं आएगी तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट जो है टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप पहले बता दें कि लाइक एग्री डिसएग्री न्यूट्रल और स्लाइटली न्यूट्रल, ये वो जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हम अपने क्लाइंट को अपने पेशेंट को उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दें कि आपको किस जो है इमोशनल स्टेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने इस तरह से इसको मार्कआउट करना है। ट्रेनिंग फॉर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टेस्टिंग कंडीशन से पहले अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑफ DRP। और इसेंशियल जो इसमें हमारे टेस्टिंग कंडीशंस आ जाएंगी उसमें हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम किस इन्वायरमेंट में अपना टेस्ट जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, और उसमें जो है नॉइज़ फ्री रूम होना चाहिए आपके पास, और आपके पास प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए, आपके पास अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो है लाइट जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना आपके पास लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो उसका भी इफ़ेक्ट आपके टेस्ट पे होगा। और आपके पास एक अच्छा और हवादार रूम होना भी बहुत ज़रूरी है, मीन्स कि आप एक नॉर्मल और नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के अगर अपना टेस्ट फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अच्छे ही मिलेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन विच माइट इफेक्ट द टेस्ट सोर्स, मीन्स के आपको ऐसी कंडीशन में टेस्ट को बिल्डअप करना चाहिए जो कि आपके टेस्ट के स्कोर्स जो है, मीन्स के उसकी जो रीडिंग है रेटिंग है उसके इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा, आप उसमें टेस्ट यूज़ कर रहे हैं या बिल्डअप कर रहे हैं तो आप में बाइसनेस आ जाती है और अटेंशन डाइवर्ट होगी, प्रॉपर रीडिंग जो है स्कोरिंग वो नहीं आएगी। आपके पास रूम अच्छा ना हो, सीटिंग अच्छी ना हो, लाइट अच्छी ना हो तो आपके पास आपके टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो इफेक्ट कर जाएगी, इंटरेस्ट वैसा नहीं रहेगा। फिर आ जाता है जी आपके जो टेस्ट हैं उनके परफॉर्मेंस और उसकी एबिलिटी, यूज़ करने की एबिलिटी और उसको प्रेजेंट करने की जो एबिलिटी है वो आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। और जितना जो है आपकी एबिलिटी होगी, मीन्स कि आपके पास नॉलेज होगा आपका, अपनी जो भी इश्यूज़ हैं स्किल्स कह लें इश्यूज़ कह लें उन पे कमांड होगी तो वो भी आपकी रेजिंग जो है रेजिंग ऑफ द स्कोर्स उसको इंक्रीज करेगा, और एक सिग्निफिकेंट वे में जो भी आपके पास डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करेगा। एक और रिसर्च है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो जनरल मैनर है और हमारा जो बिहेवियर है वो भी एग्जामिनर का इफेक्ट करता है। लाइक आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं या आपकी स्माइल नहीं है, आप नोटिंग कर रहे हैं, और जो है ड्यूरिंग टेस्ट जो है आप कमेंटिंग अगर कर रहे हैं अपने पेशेंट से फिलअप करवाते हुए कि भाई वेरी गुड, और गेस्चर ऐसा दे रहे हैं आप, थम इम्प्रेशन दे रहे हैं फाइन, और ये जो चीज़ें हैं ये उसकी कैपेबिलिटी को उसकी एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। आप जो एक्सप्रेशन देंगे जितना अपने क्लाइंट को पेशेंट को रिलैक्स रखेंगे आपके टेस्ट की वैलिडिटी रिलायबिलिटी और उसकी जो स्कोरिंग है वो अच्छे वे में रिवील कर रही होती है। थर्ड वन आ जाएगा जी हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट। इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट में सबसे पहले आपकी रैपो बिल्डिंग आ जाएगी और जो भी आपका टेस्ट टेकर है उसकी ओरिएंटेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हुए हम बताते हैं भाई हमारा जो है वो ये सीन है, एज अ प्रोफेशनल जो है हम इतने टाइम ड्यूरेशन से वर्किंग कर रहे हैं और आप जो के आए हैं इस फला फला इशू के साथ, तो आप हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हुए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको लीक आउट नहीं करेंगे, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो एस्पेक्ट जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट कर रहे हैं और बैड इम्पेक्ट है नेगेटिव इम्पेक्ट है आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मीन्स के आपने उसको थोड़ा सा अपना बहुत सारी जो है हम उसको अपनी एफिशिएंसियां नहीं बताते हैं ताकि वो डिप्रेस ना हो कि भाई अगला बंदा तो पता नहीं आसमान से उतरा हुआ है या बहुत ज़्यादा इसके पास नॉलेज है हम इसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल सा अपना ओवरव्यू देते हुए आप उसके साथ अपनी एक कॉन्फिडेंस और जो भी आपकी रैपो है एक प्रोफेशनल फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो बिल्डअप आप कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आप उसको ट्रस्ट जो है लेके आते हैं अपने ट्रस्ट में कि भाई आपकी बताई गई एक एक बात जो है वो कॉन्फिडेंशियल है और वो आप किसी को नहीं बताएंगे, तो वो अपने सारे इश्यूज जो हैं
क्लियरली आपके साथ शेयर करेंगे, शेयर करेंगे तो उनका जो है आप नेक्स्ट इंटरवेंशन और इनसाइट की तरफ मूव करते हैं। तो उसकी इस कंसंट्रेशन जो है उसको लेने के लिए आप वेरियस जो टास्क वगैरह हैं और वो सारी एफर्ट भी समटाइम करनी पड़ती है। समटाइम जो है रैपो बिल्डिंग वो बहुत ही इजी होती है आपके क्लाइंट के साथ, कि वो इतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि विद इन अ मिनट और विद इन अ फर्स्ट सेशन जो है आपकी रैपो बिल्डिंग हो जाती है। लेकिन समटाइम ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके ओरिएंटेशन, आप खुद को या अपने टेस्ट को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र तक भेज रही हैं आपके, हाँ जी भाई हमारा जो टेस्ट है फॉर एग्जांपल डिप्रेशन से रिलेटेड हमने टेस्ट बिल्डअप किया है और ये टेस्ट जो है ये फ़लाँ फ़लाँ एस्पेक्ट जो है या इट्स जो एरिया है वो उसको कवर कर रहा है। लाइक डिप्रेशन में आपके पास कौन कौन से स्टेटमेंट है, कितनी स्टेटमेंट है और किस किस से रिलेटेड है और वो उसको किस तरह से कवर अप कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एग्जामिनर, करेक्टरिस्टिक मीन के अगर जो एग्जामिनर है उसमें क्या क्या खसूसियात उसकी भी होनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए और उसके पास कितना नॉलेज और कितना जो है अपने फील्ड से रिलेटेड वर्थ होनी चाहिए। तो उसमें अगर हम मूव करें तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द टेस्ट टू बी यूज, हमें पता होना चाहिए भाई हम अगर एग्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी नेचर, हमें उसकी स्कोरिंग, हमें उसका ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ताकि अगर कोई यूज़ कर रहा है या हमारे पास पेशेंट है हम ये सोचने ना बैठे कि भाई अब ये पेशेंट आ गया, इसकी ये हिस्ट्री है और हम इसके लिए कौन सा जो टेस्ट है वो यूज़ करेंगे, या हमें ये सर्च ना करना पड़े। तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आ जाता है जी आपका वेल ट्रेंड एंड आपके एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पास उतना ही एक्सपीरियंस भी आएगा, एक्सपीरियंस आएगा तो वो आपके टेस्ट को जो है बहुत अच्छी तरह से रिवील आउट कर रहा होता है। क्लियर स्पीच होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बताते हुए आपकी स्पीच जो है वो क्लियर ना हो और किसी को समझ ना आए तो वो इशू कॉज करें। नोट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन वही बात है कि आपको उसकी स्कोरिंग और कितना क्राइटेरिया है, कौन सी स्टेटमेंट किस एबनॉर्मल बिहेवियर या किस प्रॉब्लम किस इशू को शो ऑफ करिए, ये आपकी फिंगर टिप्स भी होना चाहिए, एम्पेथेटिक होना चाहिए, शार्प सेंसेस होने चाहिए, आपको पता चल जाएगा, आपकी विजन अच्छी होनी चाहिए कि सुनने वाला जो है उस पर आपकी बातों का कितना इफेक्ट हो रहा है, कोई इसको आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको यूज़ भी करेगा या नहीं करेगा, अगर उसको यूज़ करे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके एक्सप्रेशंस रीडिंग क्या है। उसके बाद आपके पास क्विक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको या वो आपको रिस्पोंड कर रहे हैं, तो ये भी आपके करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि आप में एक जजमेंट या आपकी जो वो कहते हैं ना फिफ्थ सेंस और सिक्स सेंस जो है उसकी वर्किंग भी बड़ी मैटर करती है, और प्रोफेशनल ऑनेस्टी और आपकी इंटीग्रिटी भी आ जाएगी। जज़ाकअल्लाह। और कुछ क्लियर ना हो पॉइंट्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल को DRP चैनल जो है आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ना सिर्फ इस एस्पेक्ट पे आपको और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, फील्ड है, ब्रांचेस हैं और जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रॉपर वे में गाइडलाइन मिले। जज़ाकअल्लाह।